तैमूर अली और आप देख रहे हैं आरटी क्रिकेट। तो आखिरकार पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेक थी मैच हारने की ओडे क्रिकेट में, वो फाइनली आखिरकार खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान ने आज अपने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में इस टूर्नामेंट की सबसे जो बड़ी टीम है, सबसे खतरनाक टीम है इंग्लैंड को उसको शिकस्त दी है 14 रन से और ये मैच जीत लिया है। वही टीम जो कि इसी ग्राउंड पर 105 रन करने में कामयाब हुई थी और आउट हो गई थी ऑल आउट वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले मैच में, आज वो टीम दिखी नहीं जिसने आज 348 रन किए इंग्लैंड के खिलाफ और एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और ये लग ही नहीं रहा था कि वही टीम खेल लेगा जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी। आज तमाम शोबों में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया इंग्लैंड से और इवेंचुअली उनको शिकस्त दी है और बता दिया कि हम भी यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और किसी भी टीम को अपने दिन हरा सकते हैं हम। अगर सबसे पहले बात कर लीजिए टॉस की, टॉस जीता एवन मॉर्गन ने और बैटिंग करने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने आज 348 रन बनाए। अगर बैटिंग में बात कर लीजिए तो आज सब खेलने के मूड में लग रहे थे, जो फखर जमान, मामूल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, काफी बेहतरीन बैटिंग देखने में आई गई सरफराज अहमद की जानिब से भी और उससे अच्छा आज खेले मोहम्मद हफीज जिन्होंने 44 रन बनाए सिर्फ 50 बॉलों पर और काफी उम्दा खेले। आज वो अपने लिए नहीं खेले, आज वो टीम के लिए खेले, उन्होंने टीम को पहले रखा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 350 रन का टोटल देने में कामयाब हुआ और काफी एक बड़ा टोटल दिया इंग्लैंड को चेज करने के लिए। बैटिंग में आज सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और दीगर बैट्समैनों की तारीफ करनी पड़ेगी। आज काफी उम्दा बैटिंग किया, जो सबसे अच्छी बात थी बैटिंग में पाकिस्तान ने शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा टैकल किया। आज पाकिस्तान को, हालांकि इंग्लैंड के बैट्समैन को पता था कि आज पाकिस्तानी बैट्समैन शॉर्ट बॉल के खिलाफ मसला करते हैं, मगर उन्होंने आज पाकिस्तान बैट्समैन ने शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेला। और अगर बॉलिंग की बात कर लिया तो काफी अग्रेसिव बॉलिंग थी आज। शुरू में शदाब खान से बॉलिंग कराई सरफराज अहमद ने, जिन्होंने जैसन रॉय की विकेट निकाल कर दी सरफराज अहमद को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज, और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन रेगुलरिटी के साथ आज बॉलिंग की और काफी सरफराज अहमद ने काफी अकलमंदी के साथ आज बॉलिंग चेंजेस की और आखिर दरमियान की ओर में अगर शुएब मलिक से बॉलिंग करवाई और मोहम्मद हफीज से बॉलिंग करवाई आज, और उन्होंने आज आउट करके दिए पाकिस्तान को, बैन स्टोक आउट किया। उसके बाद उन्होंने, अगर उसके बाद बात कर ली जाए डेथ ओवर की बॉलिंग की, तो आज एक पॉइंट पर आकर मैच पास किया था, मगर वहाब रियाज जिन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट लिए आज। मोहम्मद हफीज ने 1 विकेट ली, शुएब मलिक ने 1 विकेट ली और शदाब खान की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 2 विकेटें ली आज। एक पॉइंट मैच पास किया था मगर पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं आ रही वहां पर, अपनी नर्व नहीं खोई और नर्वस नहीं हुए बिल्कुल और अच्छी लाइन लेंथ बॉलिंग करते रहे और इवेंचुअली आज क्या कहते हैं इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब हुए। हालांकि आज इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में भी आज जो रूट ने और जॉस बटलर ने 100 रन, दोनों ने 100 रन बनाए और इस वर्ल्ड कप के पहले सेंचुरियन हैं दोनों। और उसके अलावा क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम अब आगे जो आने वाले 7 मैच हैं उनमें भी बेहतरीन परफॉर्म करेगी और टफ टाइम देगी यकीनन बाकी टीम्स को भी। इस वीडियो में इस टॉपिक इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।